बैक टू आर न्यू वीडियो। सो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीट के 2022 के पोस्टपोनमेंट के ऊपर जो भी कोई अपडेट होगा मैं आपको इस चैनल पे कवर करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सो जो एक मेजर अपडेट है जो कि ये चीज़ कंफर्म भी करता है और डिनाई भी करता है कि क्या चांसेस है नीट के 2020 पोस्टपोनमेंट के ऊपर। आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या रीज़न है, क्यों लोग इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि नहीं नीट 2022 पोस्टपोन होना चाहिए। सो वो जो पर्टिकुलर रीज़न है, लेकिन जो अलग से रीज़न जो अभी फ़िलहाल बहुत लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो ये है कि आपको पता है कि जुलाई में आपके जेई मेन के एग्ज़ाम है 20 तारीख के बाद से, और 17 जुलाई से नीट के ऑलरेडी डेट मेंशन है, ठीक है। और CUET 2022 के भी एग्ज़ाम मोस्ट लाइकली टू बी कंडक्ट कराने वाला है, जो NTA जो कंडक्ट कराने वाला है वो जुलाई में ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि कब होगा, जुलाई में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक। अगर CUET के एग्ज़ाम अगर जुलाई में ही होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाता है NTA को कि जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि नीट को पोस्टपोन करें वो मे बी वो अगस्त में शिफ्ट कर सकता है या सितंबर के फर्स्ट वीक में शिफ्ट कर सकता है। ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि CUET का एग्ज़ाम और ऊपर से जेई मेन्स और ऊपर से नीट तीनों एक साथ के साथ साथ और भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, लाइक CET भी है, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम को एक साथ कंडक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। सो मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ बन सकता है कि नीट को वो थोड़ा एक्सटेंड कर दें, ठीक है। या ऐसा चांसेस ये भी हो सकता है कि नीट को एक्सटेंड न करने के बजाय CUET को ही वो फर्स्ट वीक में कर दे, या अगस्त के स्टार्टिंग में कर दे। तो अगर ऐसा होगा तो मे बी अगर वो पोस्टपोन ना करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये सारे बनते हैं और ये चांसेस हैं कि नीट 2022 पोस्टपोन हो जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे लोग लेके ट्विटर पे काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं, PM को लेटर लिख रहे हैं, अपने जो प्रेसिडेंट उनको लेटर लिख रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट यूनियन इस पे काम भी कर रहे हैं। सो लेट्स होप क्या होता है। जो भी होगा मैं आपको इस चैनल पे काफ़ी अपडेट करता रहूँगा। ओके सो सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।